हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 9 हल करेंगे। तो देखिए, हमें इसमें एक आव्यूह दिया हुआ है और हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो मान लीजिएगा, इसे हमने ए आव्यूह मान लिया। तो अभी मेरे पास ए इक्वल टू आई ए एक संबंध होता है। तो अब मैं ए और आई का मान रख दूंगा आव्यूह के रूप में। तो 3, 10, 2, 7, आई अपने पास इकाई या तत्समक आव्यूह होता है, तो मैंने आई का मान भी रख दिया और ये ए हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है, यहाँ पर मुझे सबसे पहले 1 बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो अब देखते हैं वो 1 कैसे आ सकता है। तो यदि मैं R1 को R1 माइनस R2 कर दूँ तो मेरे पास वो 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात देखिए ये है कि मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, मतलब जो मेरी R2 है, या मैं बोलूँ दूसरी पंक्ति है, वो जैसी की तैसी रहेगी। मतलब यहाँ 2 और 7 ही रहेगा। यहाँ पर मेरे पास 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति सेम रहेगी, मतलब 0 और 1 रहेगा। यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 0 में से 1 घटाने पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर a रहेगा ही। अब देखिए, यहाँ पर मेरा 1 आ चुका है। अब यहाँ मुझे 2 दिया हुआ है मुझे, लेकिन यहाँ पर 0 बनाना होता है। इस 1 की सहायता से मैं 0 कैसे बना सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, R2 को चेंज करना है। तो मैं R2 को R2 माइनस 2R1 लिख सकता हूँ। तभी तो देखिएगा, 2 में से 2 में इंटू 1, मतलब 2 में से 2 घटाने पर 0 आ जाएगा। तो अभी देखिए, हम R2 में चेंज कर रहे हैं, मतलब R1 या प्रथम पंक्ति सेम रहेगी। मतलब 1, 3 लिख दिया, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और 7 में से 3 इंटू 2 6 घटाने पर 1 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पर भी प्रथम पंक्ति तो सेम ही रहेगी, मतलब 1 माइनस 1 रहा। अब देखिए, R2 में से 2R1 घटाना है, मतलब 0 में से 2 घटाना है तो -2, और 1 में से -2 घटाना है तो 3 आ जाएगा और ये अपने पास a आ गया। 1 चाहिए था, 1 दिया हुआ है, 0 भी हमारा आ चुका है, 1 भी आ चुका है। अब बस हमें यहाँ पर 0 बनाना है। अब देखते हैं वो 0 हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं R1 को R1 माइनस 3R2 लिख दूँ तो मेरे पास 0 बन जाएगा। चलिए 0 बनाते हैं। देखिए, अपने पास हमने R1 को चेंज किया है तो हमारे पास R2 तो सेम ही रहेगा, मतलब 0 1 रहा। अब देखिए, 1 में से 3 इंटू 0, मतलब 0 घटाऊँगा तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर भी R2 तो सेम रहेगा, मतलब -2 3। अब मैं 1 में से, यहाँ पर देखिए जो मेरा अवयव आएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे 1 में से -6 घटाना है तो मेरे पास 7 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मेरे को -1 में से 9 घटाना है तो मेरे पास -10 आ जाएगा और मैंने a लिख दिया। तो अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर i बन गया है। तो ये i इक्वल टू बी ए फॉर्म मेरे को मिल चुकी है, जहाँ पर b मेरा ये आव्यूह दिया हुआ है। तो अब मेरे पास a इनवर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, a का व्युत्क्रम हो जाएगा, 7 माइनस 10 माइनस 2 3, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें पुनः एक आव्यूह दी हुई है और हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो हमने इसको a मान लिया। अब देखिए, हमने दोबारा इसको क्या किया, a इक्वल टू आई ए लिखा, a का मान लगा दिया, 3 माइनस 1 माइनस 4 2, i का मान लिखा दिया, तो 1 0 0 1, और ये अपने पास a आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर तो हमें 1 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अपने पास 3 दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास 1 आ जाए, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं 3 में 3 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास 9 आ जाएगा, और -4 में मैं 2 का गुणा कर दूँ तो मेरे पास -8 आ जाएगा, और यदि मैं 9 और -8 को जोड़ूँ तो मेरे पास 1 बन जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया कि R1 को 3R1 प्लस 2R2 से रिप्लेस कर दिया है। तो अभी देखते हैं अपने पास क्या बनेगा, यहाँ तो 1 बनेगा। अच्छा, एक बात गौर करने वाली है कि हमने R1 में चेंज किया है। देखिए, R1 में चेंज किया है तो R2
सेम रहेगा, मतलब माइनस चार और दो रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा अवयव आएगा, तो देखिए यहाँ पर तीन आर वन मतलब माइनस तीन प्लस टू आर टू मतलब दो इंटू दो चार मतलब एक आना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक भर दिया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीय पंक्ति तो सेम ही रहेगी, सेम रख दी। अब देखिए यहाँ पर अपने पास तीन आर वन प्लस टू आर टू अपने को करना था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीन आर वन मतलब जीरो और टू आर टू मतलब दो आ जाएगा, और ये ए कर दिया मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे देखिए यहाँ पर वन बन चुका है, अब यहाँ पर मुझे जीरो बनाना है और इस वन की सहायता से बनाना है, तो अब वो मैं कैसे बना सकता हूँ उस पर गौर करते हैं। देखिए आर टू को यदि मैं आर टू प्लस फोर आर वन कर दूँ तो मेरे पास जीरो बन जाएगा। ध्यान रखना है कि हमने R2 में चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब R1 या मैं बोलूं पहली पंक्ति सेम रहेगी, मतलब 1 और 1 ही रहा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस 4 मतलब 6 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले अवयव में पहली पंक्ति सेम रहेगी, मतलब 3 2 आ गया, यहाँ पर अपने पास 12 आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास 9 आ जाएगा और ये अपने पास ए लिखा हुआ है। अब देखिए हमने यहाँ वन भी बना लिया, यहाँ जीरो बना लिया, यहाँ पर हमें वन चाहिए, यहाँ पर हम वन कैसे बना सकते हैं, तो देखिए अगर मैं आर टू में आर टू बटे छः कर दूँ तो मेरे पास वो वन दिखाई दे जाएगा। तो अभी देखिए अपने पास क्या आएगा, वन वन जीरो वन, तो हम दाई तरफ भी छः से डिवाइड करेंगे, मतलब तीन दो दो नौ बटे छः और ये अपने पास ए लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास वन आ चुका, जीरो भी आ चुका, वन भी आ चुका, लेकिन मुझे यहाँ पर जीरो बनाना होता है और इस वन की सहायता से बनाना होता है। तो अब देखिए मैं आर वन में चेंज करता हूँ और किस तरीके से चेंज करता हूँ कि आर वन माइनस आर टू कर देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, देखिए मैं आर वन में चेंज कर रहा हूँ तो आर टू मेरा सेम रहेगा और यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। इसी तरीके से R2 तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, तो देखिए 2 और 9 बटे 6 को यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास 3 बटे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R1 माइनस R2 करना था तो मेरा यहाँ पर 3 माइनस 2 मतलब 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 में से 3 बटे 2 घटाना पड़ेगा, तो देखिए मैं 2 में से 3 बटे 2 को यहाँ पर घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 बटे 2। तो देखिए मैंने यहाँ 1 बटे 2 फिलअप कर दिया, तो ये ए मेरे साथ चल रहा है। तो इस तरीके से मेरा ए इन्वर्स हो जाएगा 1 2 1 बटे 2 3 बटे 2, यही मेरा ए का व्युत्क्रम अवयव या ए इन्वर्स हो जाएगा।